साहब नमस्ते जी। पहचाने साहब, अभी भी आपको ऑटो रिक्शा में छोड़ के गया था ना, ये आप भूल आए थे मेरे रिक्शे में। हाँ मेरा ही पर्स है ये। साहब मैं काफी दूर तक चला गया था, फिर देखा सीधा लेके वापस चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। साहब देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक तो है? अरे नहीं, वो क्या है, घर में शादी है ना, तो बस उसी की खरीदारी के लिए कुछ रुपये है इसमें। अब तुम लेके आए हो तो सब ठीक ही होगा ना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी ने कहता नहीं है, चलो चलो चलो। कमाल करते हैं आजकल आप, कितने लापरवाह हो गए आप। क्या? क्या क्या पैसों वाली बैग कोई रिक्शा में छोड़ देता है क्या? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। और तो और रिक्शा वाले से बात करने लग गए कि हमारा शादी का घर है, ये सारे पैसे शादी के खर्चे के लिए रखा हुआ है, क्या जरूरत थी सब कहने की। कमाल करते हैं आप, किसी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं आजकल। सविता तू कौन है, कितनी चिंता करती हो। अरे इस दुनिया में आज भी भले इंसान है। अब देखो ना, बेचारा अपना काम धंधा छोड़कर पैसों वाला बैग देने आ गया। एक एक पैसा अपने जगह पे सही था और ऊपर से तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको जो करना है वो करो, लेकिन अब मेरा एक काम भी करना पड़ेगा आपको। मुझे पता ही था। बोलो। कल का दिन बहुत ही शुभ है, धनतेरस है ना, हमने जो वो गहने। अरे बारी खुल लीजिए, बंद कर दो। तुम्हारी मम्मी ना सुधरेगी। अब बेटा कंप्लीट हुआ कि नहीं, और भी बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी। बेटा सब देख लिया? वो क्या हो जाए, वो लिखवा दो जरा। अबे साहब वो जो हमने बनाने के लिए दिया है ना, बुंदे और बंगड़ी, वो आप जाके ले आना। क्यों तुम साथ में नहीं आ रही हो? धनतेरस का दिन है, पूरे घर की सफाई करनी है और पूजा की तैयारी भी, और आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। आप चिंता मत करो बा, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। अरे हाँ, कल मेरे भाई भाभी ट्रेन से आ रहे हैं, स्टेशन पे आपको लेने जाना पड़ेगा। हाँ मने याद छे, वैसे भी ये बात भूलने की मुझ में हिम्मत है। चले तो साड़ी जो ही ले। देख ऑटो भाई साहब, मार्केट तक जाना क्या, आइए छोड़ दूं। नहीं मैंने दूसरी ऑटो रोक ली है। अरे क्या साहब पहचाना नहीं? अरे नागेश हूँ नागेश, ऑटो रिक्शा वाला, कल शाम को मिला था। हाँ नागेश भाई। पहचाना पहचाना। चलो बैठो जल्दी। कितना हो गया? 20 रुपया। शादी की खरीदारी ना साहब, कोई जान पहचान का ऑटो वाला हो तो ठीक होगा ना। ये बात सही कहा आपने, अच्छा हो तुम आ गए। एक काम करना, आज शाम को 7 बजे मेरे घर पे चले आना, स्टेशन से कुछ मेहमान को लाना है। ठीक है साहब, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलाऊंगा उनको लेने के लिए। वहाँ पे शाम को ऑटो की बहुत प्रॉब्लम होती ना, तुम रहोगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। मेरा घर यहीं पे पास में। अरे पता है साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नागेश बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा। ठीक 7 बजे। जी यही तो हमारे देश की खासियत है, हम अलग अलग भाषा, अलग अलग भेष, अलग अलग मजहब के होने के बावजूद एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और भरोसे के साथ रहते हैं। हमारी परंपरा है, किसी पे भी भरोसा करते हैं, ऑटो वाले पर, सब्जी वाले पर, जो सड़क पर चलकर जा रहा होता है उस पर भी। परंपरा की धरोहर अलग जगह और सावधानी अलग जगह। याद रखिए, किसी भी इंसान के माथे पर नहीं लिखा होता कि उसके दिल में क्या है। अरे रूपल, तूने पापा को कल के लिए फुलझड़ी लाने के लिए कहा था क्या? क्या किंजल बहन, आप अभी भी फुलझड़ी की बात कर रही है? मैंने तो पापा को मेरे लिए जोरदार पटाखे लाने के लिए कहा है। अरे सुनो किंजल, रूपल, तुम दोनों में से कोई भी एक जन जमदाबेन के यहाँ चले जाना,
वो कब से मदद के लिए किसी एक को बुला रहे थे। ठीक है बा, मैं चली जाती हूँ, ये ले। इसे भी जला देना और अच्छे से सजा देना, तब तक मैं बल्ब लगा लेती हूँ। जी हाँ बा। अरे रूपल, अब तू क्यों आया? तेरी राह देख देख कर रूपल के पापा दूसरे रिक्शा लेकर चले गए। तुझे 7 बजे बुलाया था ना? माफ कीजिएगा बिन, वो दरअसल थोड़ी देरी हो गई, एक सवारी मिल गई थी, उसके साथ काफी दूर तक चला गया था, जब वापस लौटा तो रिक्शा खराब हो गया था, इसलिए फिर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अब काम हो गया है, अब तू जा। जा। बिन, एक गिलास पानी मिल जाएगा? रूपल, चल जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। अरे बहन, दीजिए ना, मैं लगा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे दीजिए ना बहन, मैं करता हूँ ना। रूपल, जल्दी से पानी ले आ। हाँ सविता, अरे मैं स्टेशन पर ही हूँ। ट्रेन आ गई क्या? अच्छा, लेट है। ठीक है, तो मैं पूजा शुरू कर दूंगी। हाँ, और सुनो, मिठाई लाना मत भूलना। हाँ बाबा, हाँ। जल्दी से आ जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुई? और पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। पैसे, पैसे दिए मेरे को। चल चल ले। माता की आरती की आवाज में रूपल और उसकी माँ की आवाज कहीं खो गई और इसी कारण कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचा। रूपल,
कहने का है चारों ओर मंदिरों में और घरों में लक्ष्मी पूजन की आरती चल रही थी। रूपल को पता था कि इस वक्त उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाए और इसीलिए वो चुप हो गई पर उसने हार नहीं मानी। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के मन में डर और संकोच था तो श्री कृष्ण ने उससे कहा, संकोच छोड़ो, अपनी रक्षा के लिए कदम बढ़ाओ, हथियार उठाओ। भगवान ऊपर से नीचे नहीं आएंगे हमारी मदद करने के लिए। भगवान भी शायद उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करें। रूपल ने कुछ ऐसा ही किया। मेरे बाप को छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगी सारे गहने और पैसे किधर है, पहले मुझे खोल दो। तो इसी से पूछा होता ना, खामखा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जाकर बंद है। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ लगी? देखती हूँ, वहाँ होगी। यही तो थी। अरे कहाँ गए? अरे यहाँ भी नहीं है। मिल गए। तुमसे होशियारी करने की कोशिश तो नहीं करी? देख, तू मेरे को गोल गोल मत घुमा, समझी? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरा। पापा, पापा को बताओगा? अगर पापा को फोन? बिल्कुल नहीं, कोई फोन नहीं, तू बताएगी। काका, आपको तो पता है कि पापा ही सारा सामान लाए थे, तो हेलो हेलो पापा। हाँ रूपल बेटा, ट्रेन अभी आई है, थोड़ी देर में तेरे मामा मामी को लेके पहुंचता हूँ घर पे। पापा अब जल्दी यहाँ पे घर पे आ जाओ। हेलो रूपल, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, सारा काम बिगड़ने की सारी। इतनी छोटी सी छोकरी, इतनी तेज दिमाग, और तू है, तेरे भेजे में भूसा भरा क्या? अरे तू उसको दिया फोन करने के लिए, अगर वो फोन पे जा। बस तो इस घर में ना मेरी वजह से, समझा? पिछले तीन दिन से इनके पीछे हूं मैं। खोल दरवाजा, खोल, अगर एक बार हाथ में आ गए नहीं तो तेरे दरवाजा खोल, मेरा माल देखे जा, वरना यकीन जान तेरे टुकड़े टुकड़े करके जाऊंगा। हमें यहां से निकलना चाहिए भाई, हमें कुछ नहीं मिलेगा यहां, हम फंस जाएंगे। चल। नहीं सुन, तू बेडरूम में जा, जाके चाबी ले, वहीं कहीं होगी। हाँ, और आज मैं यहां से माल लिए बगैर नहीं जाऊंगा, समझा? चल। अब क्या करें? पा, देख आरती बंद हो गई, अब सब हमें सुन सकते हैं। बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ। बचाओ।
बाप भाग! रुक! अब पकड़ ले तो! अरे इन सबको छोड़, पर पहले बाहर जाने की रास्ता देख। चलते चल, बाहर निकलने की सोच यार, बाहर बहुत सारे लोग आ गए। क्या हो रहा है? आप ठीक तो होंगे? चल चल चल, बाहर रुपल किंजल बेटा, क्या हुआ? देखो बाहर दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या? अरे हो क्या रहा था? रुपल बेटा क्या हो रहा है अंदर? मैंने पहले कहा था ना, यहां से भाग चलना चाहिए। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं छत का दरवाजा देखता हूं, तू पीछे का देख। ठीक है चल। रूपल तब तक लड़ती रही जब तक उसे तसल्ली नहीं हुई कि सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लग रहा था, पर उसने उस डर के आगे घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी। उसने अपने बाप और घर का सामान तो बचा लिया, पर यह उसकी जंग का अंत नहीं था। चाकू के घाव से बहुत खून बह चुका था। उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया और वो 4 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहे। चाकू के घाव को बंद करने के लिए डॉक्टर्स को 351 टांके लगाने पड़े। रूपल और उसके परिवार ने दिवाली हॉस्पिटल में ही मनाई, पर उसके साहस के चर्चे दिवाली के दिए की रोशनी की तरह चारों ओर फैल गए। उसके साहस को सराहना तब मिली जब दिल्ली के रिपब्लिक डे परेड में उसे ब्रेवरी का एक अवार्ड दिया गया। बेटे के पैदा होने पे लोग दुखी क्यों होते हैं? ऐसे लोगों को आके मेरे रूपल से मिलना चाहिए। ये वीरता का पुरस्कार पाकर रूपल तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बा के लिए, अपने पापा के लिए, अपने घर के लिए कुछ कर सकी। हर लड़की को ऐसा करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम जिंदगी में आगे क्या करना चाहती हो? बहुत बनना चाहती हूँ और एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए। मैं गौरव चोपड़ा एक और कहानी लेकर लौटूंगा इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए सावधान इंडिया।